एम ए डॉक्टर संजय कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। हम पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को लिटरेसी स्किल के बारे में बताया था। अब नेक्स्ट हमारा जो है बीएड एससी का ही है पार्ट 72, जिसमें करिकुलम डिजाइनिंग, एडाप्टेशन एंड इवेल्युएशन पे आज चर्चा होगा। तो आज हम यूनिट 10, 11 और 12 के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। इसमें यूनिट 10, 11 एंड 12, जिसमें हमें ऑब्जेक्टिव्स हमारा है, यानी आज के लेक्चर के बाद हम लोग क्या जानेंगे, उसमें से इम्पॉर्टेंट यह है कि अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर करिकुलम एडाप्टेशन फॉर चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, और दूसरा जो है वो एडाप्टेशन ऑफ करिकुलम एंड करिकुलम ट्रांजेक्शन ऑन वेरियस लेबल्स, यानी दो चीज़ें आज के लेक्चर में हम आप लोगों को जानकारी देंगे। पहला, श्रवण बाधित बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का अनुकूलन, करिकुलम एडाप्टेशन चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। दूसरा जो होगा कि जो एडाप्टेशन होना है वो डिफरेंट लेवल, यानी हम अगर प्राइमरी लेवल पे बात कर रहे हैं, सेकेंडरी लेवल पे बात कर रहे हैं, प्री प्राइमरी लेवल पे हम क्या क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज, और लेवल के साथ साथ कौन कौन सा एरिया है जहाँ पर हमें एडाप्टेशन करने की ज़रूरत होती है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट, हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर हम चर्चा करते हैं, वो है नीड्स फॉर ऑफ करिकुलम एडाप्टेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। श्रवण बाधित बच्चों को पाठ्यक्रम अनुकूलन की क्या आवश्यकता है, तो हम आवश्यकता पे चर्चा करेंगे। आवश्यकता की अगर बात करें तो पाठ्यक्रम कोई भी अगर बनाए, कोई भी सिलेबस या पाठ्यक्रम अगर बनता है तो सामान्यतः ऐसा तो नहीं होता कि वो स्पेशली ये चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए या चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या हियरिंग इम्पेयर विजुअल इम्पेयर, ऐसा ध्यान करके नहीं बनता। वो बनता किसको है, एक नॉर्मल एजुकेशन का जो है, यानी जो नॉन इम्पेयर चिल्ड्रन है, नॉन इम्पेयर कहें ज़्यादा बेहतर होगा, नॉर्मल कहना नहीं, नॉन इम्पेयर यानी उनमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, ऐसे बच्चों को ध्यान में रख कर, मतलब जो स्टूडेंट सेंटर्ड हमारे पाठ्यक्रम होते हैं, चाइल्ड सेंटर, वो यही होते हैं, हमें उनको ही ध्यान में रख के बनाया जाता है। और शिक्षा के जो हमारे उद्देश्य हैं, वो उद्देश्य भी कोई स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाता, वो भी बनाया जाता है, एक नॉर्मल जो सामान्य बालक हैं उनको भी ध्यान में रख के बनाया जाता है कोई भी। अब अगर ये चीज़ें सामान्य को ध्यान में रख के बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन है, चाहे चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयर्ड हों, चाहे चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हों, चाहे चिल्ड्रन विथ विजुअल इम्पेयर्ड हों, चाहे लर्निंग डिसेबिलिटी की हों, इनका तो कोई फोकस नहीं होता, इनको सेंटर में रख के हम कुछ बना सकें। अब आवश्यकता है कि हमारे पास, अगर हम यहाँ पे समावेशन और इंक्लूजन की बात चल रही है, इंक्लूसिव एजुकेशन के, यानी वो सेटअप में हमें जो एक नॉर्मल रेगुलर क्लास है उसमें हमारे सभी प्रकार के बच्चे हैं, और सभी प्रकार के बच्चों के लिए एक सामान्य जो पद्धति बनी हुई है, सामान्य शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रख के जो पाठ्यक्रम डिजाइन किया गया है वो शायद उनके ऊपर अप्लाई करेंगे तो शायद तर्कसंगत नहीं होगा, क्योंकि इनकी भी कुछ अलग आवश्यकताएं होती हैं। नो डाउट हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य है जो नॉर्मल बच्चों के लिए है वही स्पेशल, यानी अगर एजुकेशन की बात करें और स्पेशल एजुकेशन के शिक्षा के उद्देश्यों की बात करें तो बहुत फर्क नहीं है, जो उद्देश्य उनका है वही उद्देश्य स्पेशल एजुकेशन का भी है। कुछ एडिशनल चीज़ें जुड़ जाती हैं, जैसे इनकी शिक्षा के लिए हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होती है, जो समान बच्चों के लिए है उनके लिए, तो उसके अलावा हमें बैरियर फ्री एजुकेशन की ज़रूरत होती है। ये तमाम हम चीज़ें हम इसी अनुकूलन में हम चर्चा करेंगे कि बैरियर फ्री एजुकेशन का जो सिस्टम है उस पर कैसे, क्योंकि इसमें जब तक अनुकूलन नहीं इन्वॉल्व होगा तब तक बैरियर फ्री हम नहीं कर सकते। और अपॉर्चुनिटी ऑफ हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, यानी बच्चा एक सीमित लिमिटेड ना हो, यानी हम मेन स्ट्रीम में उसको ला रहे हैं, अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो वो वहाँ तक शिक्षा प्राप्त कर सके। तो इनकी आवश्यकताएं एक सामान्य बच्चों की आवश्यकताओं से अलग है, हमारा कहने का मोटिव यही था। अगर हम इनकी आवश्यकताओं को पहचानेंगे तो हम इनके पाठ्यक्रम में बदलाव क्या करना है और कहाँ तक करना है इसकी भी लिमिट,
तो हमें ध्यान में रख के करना पड़ेगा। तो इसी से संबंधित है जिसमें हमने तमाम चीज़ें जो आपको समझाया कि बच्चों का सामान्य शिक्षा का उद्देश्य और स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के शिक्षा का उद्देश्य, ये बहुत फ़र्क नहीं है। कुछ एडिशनल हमारे स्पेशल चाइल्ड्स के लिए जुड़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं तो यहाँ पे शुड देयर बी ए सेपरेट करिकुलम, क्या इनके लिए एक अलग से पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, तो ये एक सोचने की बात है। नहीं, क्यों? क्योंकि आज जो हमारा शिक्षा का सेटअप जो है, हम लोग किस सेटअप पे काम कर रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की सेटअप पे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का सेटअप पे ये बताता है कि सभी प्रकार के बच्चे, सामान्य भी और चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, सभी एक जगह पे हैं। और अगर हम बात करें इनकी, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, तो ये लिमिटेड हैं। अगर इनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षा को देना है, यानी यही समावेशी शिक्षा है, इनकी आवश्यकता क्या है। तो समावेशी शिक्षा का अगर हमारा जो चल रहा है मेन स्ट्रीम, जो आज सेटअप चल रहा है समावेशी, जो न्यू ट्रेंड्स है एजुकेशन का, वो इंक्लूसिव एजुकेशन का है, तो हमें सेपरेट एक करिकुलम प्लान करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जैसे यहाँ पे चिल्ड्रन, मोस्टली हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयर पे, तो इन पे यहाँ पे फोकस करने की बात कही गई है, जैसे एजुकेशन विथ सम एडिशनल एम्स एंड सच एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन इनटू रेगुलर स्कूल। तो रेगुलर स्कूल में इंटीग्रेशन हो रहा है, वही हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। तो कहना यही है कि हम स्पेसिफिक उनकी आवश्यकता को जानें और उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसी शैक्षणिक सेटअप पे हम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। उनके लिए अलग से पाठ्यक्रम डिजाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये हम भी जानते हैं कि अगर पाठ्यक्रम डिजाइन होना, यानी उनके लिए अलग अलग से बहुत सारे स्पेशल टीचर्स, स्पेशल रिसोर्सेज, स्पेशल सेटअप, आज जब हम अपने वर्तमान करंट सिनेरियो की बात करते हैं, वर्तमान जो हमारा स्ट्रक्चर है, आज भी हमें कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव देखने को मिल जाता है। या शायद रूरल और अर्बन की अपेक्षा अगर बात करें, तो अर्बन में हमें कुछ देखने को मिलता है जहाँ पे आज भी बहुत सारे शिक्षकों की आवश्यकता है, और जो वैसे एरिया है वहाँ पे स्कूलों की। तो हम जब एक ही सेटअप पे अभी कर रहे हैं सेपरेट, तो उस पर नहीं हो रहा है, तो इनके लिए पाठ्यक्रम अलग करेंगे तो हमें बहुत विस्तृत में सोचना पड़ेगा, इनकी आवश्यकताएं बहुत बढ़ जाएंगी। तो पाठ्यक्रम अलग करना हमारा उद्देश्य नहीं होगा। दूसरा, अगर हम इनके अलग से कर रहे हैं, यानी हम इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ ला रहे हैं? राइट टू एजुकेशन में अगर हम बात कर रहे हैं, एक्ट की बात करें PWD, तो वो भी यही करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो हम वही चीज देंगे जो सामान्य के लिए है, वही स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए भी हम करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो अलग न्यायपूर्ण उनके साथ नहीं होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है उनको मुख्य धारा में लाना है। तो हम मुख्य धारा में लाने के लिए हम उनको सेपरेट या एक अलग से पाठ्यक्रम के लिए हम सोचना एक तर्कसंगत नहीं होगा। ये हम जो पाठ्यक्रम प्लान कराया गया है सामान्य के लिए, हम उसी बच्चों को वही पाठ्यक्रम हम इनके लिए भी प्लान करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, इनकी आवश्यकताएं कुछ अलग हैं, हम इनकी आवश्यकताओं को जरूर ध्यान रखेंगे कि इनकी आवश्यकता क्या है, और आवश्यकता का ध्यान में रखकर उसकी पूर्ति भी हम उसी परिवेश में, उसी सेटअप पे करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है एडॉप्टेशन ऑफ करिकुलम एट डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल पे बात कही गई है, यानी अगर हम प्राइमरी की बात करें, सेकेंडरी की बात करें, लेवल है जो हायर सेकेंडरी की बात करें, सब पे अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि अब सबकी आवश्यकताएं भी हर लेवल पे, डिफरेंट लेवल पे हमारी आवश्यकताएं भी अलग अलग हो जाती हैं। लेकिन किस एरिया में हमारे जो एडॉप्टेशन है, अनुकूलन किस एरिया में ज़्यादा सार्थक होगा, और कौन कौन सा एरिया जहाँ पे एडॉप्टेशन करने की जरूरत होती है, तो उसमें से जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, जैसे सिलेबस, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, दूसरा है को करिकुलर एक्टिविटीज, तीसरा इवेल्यूएशन प्रोसीजर, और चौथा है टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और भी हैं जो हम उसको अलग साइड में हम देखेंगे, लेकिन ये चार मेन हैं हमारे जहां पे हमें अनुकूलन या एडॉप्टेशन करने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम आते हैं सिलेबस टेक्निक्स, एडॉप्टेशन ऑफ सिलेबस मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। तो हमें जो मेथड्स में हम बात करें,
हम समान फोकस करते हैं श्रवणवादी, जो हमारा मेन हमारा फोकस है हियरिंग इम्पेयरमेंट, चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट पे। तो श्रवणबाधित बच्चों के लिए खास अगर हम इनको पढ़ाने के लिए जाते हैं, और एक नॉर्मल मेथड जो समान बच्चों के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, वही अगर इनके लिए भी अप्लाई करें तो शायद ये उतना लाभ नहीं पा सकेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी आवश्यकता है, ये सामान्य बच्चे की आवश्यकता से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि जो सेंस ऑर्गन इनका अफेक्ट है वो कहीं ना कहीं उनकी लैंग्वेज और स्पीच एंड कम्युनिकेशन खासकर इनको अफेक्ट करती है। तो हम इनके लिए अलग से मेथड्स और टेक्निक्स का प्लान करते हैं। शुरुआत में अगर हम इनको लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज को खासकर ध्यान में रखते हुए, जिसका हमने यहाँ पे बात किया है कि भाषा को ध्यान में रख के तीन मेथड्स, नेचुरल स्ट्रक्चर एंड मैटरनल रिफ्लेक्टिव मेथड की बात कही गई है, कंबाइंड मेथड की बात कही गई है, तीन जैसे नेचुरल स्ट्रक्चरल एंड कंबाइंड। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल आता है, खासकर इनको प्लान करके जो बताने के लिए, लेकिन स्ट्रक्चरल भी बहुत बेहतर नहीं रहा, खासकर अगर हम नेचुरल की बात कर लें, जिसको नेचुरल या मैटरनल रिफ्लेक्टिव प्राकृतिक विधि जो को बोला गया है, तो वो श्रवणबाधित बच्चों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव था। यानी हम मेथड्स जो नॉर्मल बच्चों के लिए प्लान करते थे, हमें स्पेशल चाइल्ड्स या हियरिंग इम्पेयर बच्चों के लिए हमें अपने मेथड्स बदलने पड़ेंगे। और टेक्निक्स की बात करें तो बहुत सारे टीचिंग टेक्निक्स हैं, जो मेथड्स हैं, जैसे टेक्निक्स में स्टोरी टेलिंग हुआ, न्यूज कन्वर्सेशन हुआ, डायरेक्टेड एक्टिविटी है, विजिट है और कन्वर्सेशन है। जैसे और लेवल बढ़ेगा सेकेंडरी में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर अनसीन पैसेज की बात आती है, और डायरेक्टेड एक्टिविटी तो हम प्राइमरी सेकेंडरी सब पे। यानी हमारे टेक्निक्स जो हमने बताए, ये टेक्निक्स भी एक श्रवणबाधित बच्चों के लिए ज़्यादा प्रभावी होता है, और इनको हमें कक्षा कक्षा में उनके लिए प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इनके हिसाब से इनकी इनके मेथड्स और टेक्निक्स इनको हम अच्छे से करा पाएंगे तो बेहतर होगा कि जो एक सामान्य बच्चों के साथ में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं कक्षा में, तो किसी भी वस्तु के लिए वो तर्कसंगत होगा कि हम इनको इनकी आवश्यकता के अनुसार दें और सामान्य बच्चों को सामान्य बच्चों की। क्योंकि हम जब भी क्लासरूम में अगर हम बच्चों को पढ़ाना करेंगे, क्योंकि सिलेबस भी हमारा पूरी तरह से सामान्य बच्चों को ध्यान में रख के बनाए, तो हमारा जो टारगेट ग्रुप होगा वो यही होगा। अब ये हमारे बच्चे ऐसे हैं जो स्पेशल नीड्स वाले हैं, तो हम इनको फोकस करने के लिए, हम इनका प्लान बेहतर करने के लिए, हम इनकी सेटिंग अरेंजमेंट ये सबको भी ध्यान देते हैं कि हमारे फ्रंट पे रहें। खासकर श्रवणबाधित बच्चों के लिए ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो हम इनके लिए एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए हम विशेष प्लान करके उनको विशेष मेथड्स और टेक्निक्स जो उनके लिए सुटेबल है उसको हम करते हैं, और उसके आधार पर हम उनको उनकी शिक्षा दीक्षा देते हैं, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एडॉप्टेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। को करिकुलर एक्टिविटीज हमारे ये करिकुलम होता है, एक को करिकुलर। अब हम थोड़ा सा इस पे बात करेंगे कि अगर सामान्य बच्चों के लिए जो और एक क्या स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज अलग अलग प्लान करना है, शायद हमें यहीं पे थोड़ा सा फोकस करने का जरूरत होता है, अनुकूलन को ध्यान में रखते हुए कि कौन सी एक्टिविटी कैसे बच्चों के लिए इफेक्टिव होगी। जैसे अगर हम को करिकुलर एक्टिविटीज पहले सबसे पहले जान ले कौन की एक्टिविटी, यानी सह पाठ्यक्रम के ये जो है ये कक्षा कक्ष से कक्षा कक्ष तक ही सीमित नहीं है, कक्षा कक्ष के बाहर, यानी हमारे जितने भी जैसे डिबेट्स हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, कल्चरल प्रोग्राम्स हुआ, ये तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए आती हैं, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए या बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम ऐसे बच्चों के लिए प्लान अगर करेंगे तो हम कैसे प्लान करेंगे, जैसे अगर श्रवणबाधित बच्चों के लिए बात करें, हम एक उदाहरण देना चाहते हैं क्या अनुकूलन की आवश्यकता है। अगर हम वहाँ पे श्रवणबाधित बच्चों के लिए गायन का कोई वो कर दें या स्पीच का अगर बात करें, तो वो शायद एक सामान्य बच्चे के हिसाब से अपना परफॉर्मेंस कर पाने में असमर्थ हो या उनको कठिनाई हो। तब ऐसे प्लान करेंगे तो हम इन बच्चों को जरूर फोकस करेंगे कि इनके लिए हमने क्या सोचा। इनके लिए यही होता है कि अगर हमने उनको स्पीच पे कराया है तो हम इनके लिए रिटर्न कर सकते हैं, वो अपनी अभिव्यक्ति जो स्पीच का है वो लिख के दे दें।
और बहुत सारे हैं, अगर हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले को कह दें कि आप के लिए दौड़ना है तो वो शायद उसके लिए बेहतर नहीं होगा। ये हमें प्लान करने की जरूरत होती है। को करिकुलर एक्टिविटीज वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही हमें करना है कि वो किस में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। और दूसरा ये ध्यान देना है सामान्य बच्चों के साथ उसको सहभागिता हो, ऐसी एक्टिविटीज़ हमें प्लान करनी है जिसमें सामान्य बच्चे जो नॉन इम्पेयर्ड बच्चे हैं ऐसे बच्चों के साथ उनकी सहभागिता हो और अच्छे से वो उसमें अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए, परफॉर्म कर पाए। तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो हमें कराना उसमें रहता है और सामान्य बच्चों को। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अगर श्रवण बाधित बच्चा है, मैंने रेस के लिए बोल दिया, रेस करना है और लोगों ने कहा कि जब हम सीटी बजाएंगे। अब सामान्यतः अगर सीटी बजाने की बात है तो हमारा अनुकूलन क्या होगा, जब जैसे सीटी बजेगी लड़का दौड़ना चालू करेगा, एक नॉर्मल बच्चे को तो सुनाई देगा। अब हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो हो सकता है उसको कठिन हो, तब हम क्या करेंगे इसके ऑप्शन के लिए कि हम सामने बच्चे के खड़े हो जाएंगे, झंडी दिखाएंगे। एक सामान्य बच्चा और एक हेयरिंग इम्पेयर, देखने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जैसे ही झंडी करेंगे वो दौड़ना चालू कर देगा। अगर विजुअल इम्पेयर्ड रहता तो वहां पे विजुअल काम करती। तो कहना यही है कि हमें उन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है और उस तरीके से हमें प्लान करना है को करिकुलर एक्टिविटीज को। तीसरा जो हमारा पार्ट है एडाप्टेशन ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसीजर, मूल्यांकन की बात होती है। मूल्यांकन एक सामान्य बच्चा और एक नॉन इम्पेयर्ड, हम खासकर हियरिंग इम्पेयर्ड को ही फोकस करेंगे, बेसिकली हमारा जो पेपर है वो श्रवणबाधित बच्चों के लिए। तो अब इनका मूल्यांकन अगर हम कर रहे हैं तो इनका मूल्यांकन में हमें जरूर ये ध्यान में रखना पड़ता है कि हम इनका लैंग्वेज बेस्ड करें या नॉलेज बेस्ड, दोनों हो सकता है। जैसे अगर हम लैंग्वेज बेस्ड करते हैं तो हमें फोकस करना होगा कि बच्चे का मात्रा, उसका प्रोनंसिएशन, शब्द में वाक्य में शब्दों का संरचना कैसी है, कहीं इधर उधर ना हो, ये लैंग्वेज बेस्ड। नॉलेज बेस्ड क्या होगा, नॉलेज बेस्ड होगा कि वो जिसने जो बोला वो एकदम परफेक्ट बोला, हो सकता है कि उसमें भाषाई दोष देखने को मिल जाए, व्याकरणी दोष देखने को मिल जाए, लेकिन बच्चे ने सही बोला। अगर हम बच्चे से छोटे बच्चे हैं उनसे हमने दिया नोट लिखने के लिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, अब बच्चा अगर हम बच्चे ने एक श्रवण बाधित बच्चे ने लिख दिया, हमारे न लिख के पूरा जैसे वाक्य लिखना है, उसने लिख दिया नरेंद्र मोदी का नाम अगर दे दिया, दामोदर बहुत बड़ा वो नहीं, केवल जो मेनली नाम होता है उसने केवल नरेंद्र मोदी लिखा। नरेंद्र मोदी में लिखने में उसने नरेंद्र में हो सकता है नरेंद्र लिख दिया हो, एक ही मात्रा भूल गया हो, मोदी में डी में बड़ी की न लगा के छोटी का लगा दिया हो। अगर हम लैंग्वेज बेस्ड और नॉलेज बेस्ड कर रहे हैं तो नॉलेज बेस्ड अगर उसका उत्तर देखा जाए तो यानी बच्चे को पता है कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। अब अगर लैंग्वेज बेस्ड देखा जाए तो वो शायद मात्रा में गलत है। तो हमारा बच्चे के लिए लैंग्वेज एग्जम्पशन जो होता है, भाषाई छूट श्रवण बाधित बच्चों के लिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि इनका मूल्यांकन, अगर कॉपियों का मूल्यांकन करना है तो हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है कि बच्चे का मूल्यांकन हम नॉलेज बेस्ड करें, लैंग्वेज बेस्ड ना करें। तो हमने इसीलिए एग्जांपल देके समझा क्योंकि उनका श्रवण बाधित बच्चों का, एक सामान्य बच्चे की भांत श्रवण बाधित बच्चे का शायद भाषा का भंडार हो, चाहे भाषाई ज्ञान हो, चाहे उनका कम्युनिकेशन स्किल हो, एक सामान्य बालक की भांत नहीं है, कहीं ना कहीं उनको इन सब चीज़ों में कठिनाई देखने को मिलता है। तो ये हमें बताता है कि अगर हम मूल्यांकन उसी पैरामीटर पे करते हैं जो सामान्य बच्चों के लिए कर रहे हैं और उसी पैरामीटर पे अगर हम श्रवण बाधित बच्चों की कॉपियों को चेक करें, मूल्यांकन करेंगे, तो शायद ये न्याय संगत नहीं होगा। वो उनका हमें नॉलेज बेस्ड ही उनका हम करना है और उसमें भी बहुत सारे अनुकूलन करना पड़ता है कि हम किस तरीके का हम एक्टिविटीज या किस तरीके का टेस्ट डिजाइन करें, खासकर इसमें टीचर में टेस्ट जो होते हैं इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमें बनाने की जरूरत होती है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं।
नेक्स्ट है एडॉप्टेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल पे अगर हम बात करें, जो एक श्रवण बाधित बच्चे को अगर हम फोकस करते हैं, तो एक सामान्य बच्चे के लिए जो शिक्षण अधिगम सामग्री है और हमारा श्रवण बाधित बच्चों के लिए, इसमें से थोड़ा सा फर्क होता है। क्योंकि जब भी हम बच्चे में खासकर प्री प्राइमरी लेवल या प्राइमरी लेवल पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमें एक सामान्य बच्चों से अलग हटके बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बनाने की जरूरत होती है, जो कंटेंट को पूरी तरह से सहज कर सके। यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का अगर हम परिभाषित करते हैं, तो ये कहेंगे कि शिक्षण अधिगम सामग्री ये एक ऐसी वो शिक्षण अधिक शिक्षण में प्रयुक्त की जाने वाली कोई भी ऐसी सामग्री जो शिक्षण अधिगम को सहज कर दे, सरल कर दे, वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। तो सामान्य बच्चों को अगर फोकस करेंगे तो, और एक श्रवण बाधित बच्चे में, तो हमें बहुत अलग करने की डिजाइन करने की पड़ती है। क्योंकि हम जब लैंग्वेज हम उनकी सबसे बड़ी कमी होती है श्रवण बाधित में, और बच्चों को जब हम प्लान करते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो हम बच्चों के लिए अलग से फ्लैश कार्ड की देने की आवश्यकता है, स्पीच और बहुत सारे नेचुरल चीज़ें जो होती हैं, जैसे हम बच्चे को समझाना है कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे दिखाने पड़ते हैं। जैसे अगर हमने प्लान कर लिया कीचड़ हमें बाहर जाके दिखाना पड़ता है, तो ये क्या हुआ। अगर हम कहीं ना कहीं हम लर्निंग मटेरियल को अगर बेस भी बनाएं, तो शायद हम प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। कूड़ा दिखाने के लिए हमें बाहर ले जाने की जरूरत पड़ती है। और कुछ ऐसी चीजें, जैसे हम फलों के ज्ञान में अगर दे रहे हैं, तो प्रायः सामान्य बच्चों के लिए तो वो कुछ भी आप करेंगे देख के तो वो समझ पाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो उनको हमें सिक्स सेंस को इम्प्रूव करने के लिए करना पड़ता है। तो वो हम क्लासरूम में ऐसे वस्तु को, जो विषय वस्तु में शामिल है, उसको नेचुरल रूप में हम ले आके दिखाते हैं। सामान्य बच्चों के भांति इनमें कुछ ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इन सब चीज़ों को हम अगर फोकस करते हैं कि जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल में इन्वॉल्व करें, वो श्रवण बाधित को ध्यान में रखते हुए, जैसे अगर हम वीडियो लेक्चर की बात करते हैं, पिक्चराइजेशन तो वो अच्छे से स्पष्ट देख पाते हैं, लेकिन अगर उसमें से ध्वनियाँ भी इन्वॉल्व हैं, तो वो शायद उनको सुनाई देने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पे अगर हम प्लान कर रहे हैं, तो हमें क्या करने की विशेष आवश्यकता होगी कि इनको देखने के लिए हमें बच्चों के लिए ग्रुप हियरिंग एड देने की आवश्यकता होगी। ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बच्चे अपने जब हेडफोन को लगाएंगे, तो शायद उस आवाज़ को पूरी तरह से सुन पाएंगे। तो ये हमारा अनुकूलन ही हुआ। जैसे हम क्लासरूम में हैं, ये हमारा माइक लगा हुआ है, आप भी देख पा रहे हैं। ग्रुप हियरिंग एड अगर एम्प्लीफिकेशन डिवाइस क्लासरूम में है, तो बच्चे क्या करेंगे, इस ध्वनि को सीधे अपने कान में परसीव कर पा रहे हैं। हम ऐसे बोल रहे हैं, शायद वो सुनने में उनको कठिनाई महसूस होगी, लेकिन जब अगर हेडफोन उनके साथ लगा होगा, हम माइक से बोल रहे हैं, तो वो पूरी तरह से आप अपनी बातों को, आपके द्वारा कही गई बातों को, या वक्ता जो है, स्पीकर जो है, उसकी बात को पूरी तरह से वो समझ पाएंगे। ऐसे ही अगर हम वीडियो कोई देते हैं, ऑडियो विजुअल का कोई देते हैं लैब में बिठा के, तो उनके लिए हेडफोन की जरूरत होती है। क्लासरूम में इस तरीके के एडाप्टेशन करने की जरूरत होती है कि हेडफोन बच्चा हमेशा लगा रहे, हमारी बातों को पूरी तरह से सुन पाए, एक शिक्षक की बात को पूरी तरह से सुन पाए। ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल ही है, क्योंकि उनके अधिगम में ऐसी सामग्रियां अति आवश्यक है। बगैर अगर लड़का ग्रुप हियरिंग एड का इस्तेमाल नहीं कर रहा है क्लासरूम में, तो शायद पूरी तरह से परसीव नहीं कर पाएगा। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हमारे बहुत सारे, जो हमने अभी बताया था, इसमें हमारे फ्लैश कार्ड की बात किया, चार्ट की बात किया, मॉडल्स की बात किया, एक्सेट्रा, स्टोरी बुक्स की बात हो जाती है, स्क्रैप बुक्स की बात हो जाती है, तमाम चीज़ें हैं जो हमें एक श्रवण बाधित बच्चे के लिए हमें बहुत आवश्यक होती है कि इन चीज़ों को हमें उसके लाना है शिक्षण अधिगम में, नहीं तो बच्चा पूरी तरह से समझ पाने में कठिनाई महसूस करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अदर्स। ये चार चीजें थी, इसके अलावा भी बहुत सारी और भी चीजें हैं जहां पे हमें अनुकूलन की आवश्यकता होती है। उसको हम ध्यान में अगर हम रखें, तो क्या क्या चीजें हैं जो हमें चिल्ड्रन विथ हियरिंग इंपेयरमेंट के लिए जरूरी होती है। एडॉप्टेशन आर इंप्लीमेंटेड प्रॉपरली, यानी हम उचित तरीके से, जो उचित हो तब। जैसे हम कभी कभार ये भी हम ध्यान में रखें कि ऐसा नहीं कि हमें सब चीज़ों को इनको एडॉप्ट ही कर देना है,
हम कोशिश करें, ऐसा नहीं कि हम एडाप्टेशन या अनुकूलन को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया कि जो हमारा उद्देश्य था उस विषय वस्तु में हम वो चीज़ न दे पाए बच्चे तक, श्रवण बाधित बच्चा उससे अधूरा रह जाए। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, जैसे हम कंटेंट की बात करते हैं विषय वस्तु को, कभी कभार स्टोरी जो कन्वेंशनल जो किताबों में लिखी गई है एक सामान्य बच्चा तो पढ़ के समझ पाता है, लेकिन अगर हेरिंग इम्पेयर्ड की बात करें, श्रवण बाधित बच्चा, उस विषय वस्तु को पूरी तरह से पढ़ के समझने में उसको कठिनाई महसूस करती है। तो क्या करेंगे हम, विषय वस्तु का थोड़ा सा अनुकूलन करेंगे, यानी उसी शब्दों उसी कहानी को हम दूसरे रूप में लिखेंगे। और नो डाउट अगर आप अगर ऐसा करना चाहें, कोई भी स्टोरी जो आप पढ़ो और पढ़ने के बाद उसको अपने आप लिख दो, दोनों की भाषा में आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने के मिलेगा। जो कन्वेंशनल जो किताबों में लिखी स्टोरी थी वही स्टोरी पूरा भाव और सारांश आपने जो लिखा उसमें आ रहा है, लेकिन ये बहुत सरल होगा और ये जो है वो कठिन होगा। तो कहने का मतलब हमारा यही है, यानी अनुकूलन हम करें लेकिन उचित करें, जिसमें जो हमारा उद्देश्य है उस लेसन को या उस विषय वस्तु से ज्ञान लेने का उद्देश्य है वो उन बच्चों तक पहुँचे, इतना अनुकूलन ना करें कि उनको मिले ही ना। दूसरा हमें ध्यान देना है उसमें बहुत सारे एडाप्टेशन ऑफ क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों चीज़ों का अरे हमें देखना जरूरी है कि क्लासरूम एडाप्टेशन क्या है। जैसे अगर हम स्पेशल चाइल्ड्स की बात करते हैं, अभी इसके पहले भी हमने लेक्चर में आप लोगों को बताया कि अगर हम श्रवण बाधित बच्चों की क्लासरूम की बात कर रहे हैं तो उनका क्लासरूम कैसे होना चाहिए, साउंड ट्रीटेड, वातावरण की जो तमाम ध्वनियाँ जो कक्षाओं में, जैसे खुले में अगर है हमारा स्कूल, बगल से सड़क कोई है वहाँ से बहुत सारे हॉर्न बज रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे रूम का फैन ही है बहुत तेज अगर किर 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 करके आवाज़ आ रही है, तो चूंकि श्रवण बाधित बच्चे हियरिंग एड लगाए रहते हैं तो ऐसी चीज़ें पूरी हाई पिच में उनके कानों तक जाती हैं, हॉर्न बजना ये सब करना तो उनको तकलीफ होता है, पेनफुल होता है, वो तो वो शायद निकाल भी दें। दूसरा अगर शोरगुल में है तो जो ध्वनि है जिस पे उनको अटेंशन देना वो उनके पास तक पहुंच के दूसरे रूप में पहुंच रही है, इंटरप्टेड है, बाधित है, तो जो जो कहते हैं प्योर प्योर ध्वनि उनके पास तक पहुंच पाने में असहज रहता है, तो दिक्कत होता है उनको भाषा को समझने में, हमें ध्यान देना है साउंड ट्रीटेड रूम का। फिर उसके बाद वेल इक्विप्ड कैसे ग्रुप हियरिंग एड जो उन बच्चों के लिए, आजकल तो बहुत सारे एडवांस में आते हैं, लूप इंडक्शन की बात होती है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन अगर दे पाते हैं तो सही है, नहीं तो हार्डवेयर सिस्टम है, लूप इंडक्शन है, ऐसे चीज़ों को तो हम ला ही सकते हैं श्रवण बाधित बच्चों के लिए, खासकर उनके लिए कि वो हियरिंग एड वगैरह लगा के रखें। दूसरा जो अगर हम उनके अरेंजमेंट की बात करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट उनके लिए बेहतर करना पड़ता है, कैसा बच्चे को, जैसे स्पेशल चाइल्ड श्रवण बाधित बच्चा है तो हम उनको आगे रखें, हम यू शेप का कॉन्सेप्ट तब देते हैं जब हमारे सभी बच्चे हियरिंग इम्पेयर्ड, लेकिन अगर इंक्लूसिव या मैं इंक्लूसिव सेटअप है तो हम ऐसे बच्चों को जो स्पेशल बच्चे हैं श्रवण बाधित हम उनको अपने सामने रखते हैं, यानी यहाँ पे भी हमें अनुकूलन करने की आवश्यकता होगी, ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से बढ़ गए, जो ज़्यादा आवश्यकता वाला है हियरिंग इम्पेयर्ड है उसको फ्रंट पे रखेंगे, हमारी ध्वनियों को या हमारी आवाज़ को पूरी तरह से अच्छे से परसीव कर पाए और हमारे रिलेट कर पाए, बॉडी जो हमारा बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशन है, पूरी तरह से वो देख पाए परसीव कर पाए। लिप रीडिंग भी करते हैं वो, हियरिंग से भी करते हैं और लिप रीडिंग का दोनों से कोरिलेट करके, कभी कभार हम आप भी ऐसी चीज़ों का करते हैं नेचुरली, जहाँ से हमें ध्वनियाँ सही नहीं आती केवल लिप की मूवमेंट से जान लेते हैं कि आपने ये बोला है, तो ऐसा उनके स्वभाव में श्रवण बाधित बच्चा हमेशा श्रोता के फेस को देखते रहता है क्या बोल रहे हैं, और सुनना भी उनका क्योंकि अफेक्टेड होता है तो दोनों को कोरिलेट करके वो भाषा को परसीव करते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट भी एक श्रवण बाधित बच्चों की क्लास में बहुत जरूरी है, और होता है एडाप्टेशन ऑफ शेड्यूल, ये तो सामान्य के लिए भी होता है, एडाप्टेशन ऑफ शेड्यूल यानी टाइम टेबल हम जब भी प्लान करते हैं तो वो भी हमारा एडाप्टेड होता है, क्यों, क्योंकि जब हम
खास, जैसे जो जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट कम और डिफिकल्ट है किसी भी टास्क को समझने में, तो ऐसे सब्जेक्ट को जब बच्चे घर से आते हैं थकान नहीं रहता, फ्रेश रहते हैं, तो ऐसे लेक्चर्स को हम शुरुआत में करते हैं। फिर वैसे लेक्चर जब वो एक घंटे दो घंटे या तीन घंटे पढ़ने के बाद जब वो टायर्ड होते हैं, थोड़ा सा अपने आप को महसूस करते हैं, तब हम उनके हिसाब से इंटरेस्टिंग सब्जेक्टों को डाल देते हैं कि हम हिंदी के ले लिए, या चलो को करिकुलर एक्टिविटीज़ को कुछ प्लान करते हैं, या तमाम वैसी चीज़ें डायरेक्टेड एक्टिविटी से जुड़ी हम कुछ चीज़ें प्लान कर लेंगे, बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे। तो हमें शेड्यूल करना है, तो शुरू में हमें इंग्लिश के ले सकते हैं, मैथमेटिक्स के हो सकते हैं, गणित का विषय, तो ऐसे हमारे प्लान में रहता है टाइम टेबल में। शुरुआत में ही हम सब्जेक्ट जो बहुत सरल है या इजी है हम उसको प्लान नहीं करते, तो हमें ये भी हमारे दिमाग में रखना चाहिए बच्चों के लिए। अब आज के हमारा जो लेक्चर था वो हमारा था करिकुलम एडॉप्टेशन पे, करिकुलम एडॉप्टेशन की नीड्स यानी पाठ्यक्रम के अनुकूलन की क्या आवश्यकता थी, और फिर उसके बाद हम उनके बहुत डिफरेंट एरियाज पे हमने बात किया कि सिलेबस मेथड्स एंड टेक्निक्स का हम अनुकूलन करते हैं, फिर उसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज़ का हम अनुकूलन करते हैं, एडॉप्टेशन करते हैं, फिर इवेल्यूएशन का हमें एडॉप्टेशन कहाँ और कैसे करना चाहिए, फिर हमने लास्ट में टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के एडॉप्टेशन की बातें की, और अंत में उससे रिलेटेड बहुत और भी अनुकूलन जो क्लासरूम में आवश्यक होता है या बच्चों के पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक होता है, उन सब चीज़ों को हम जाना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फिर मिलेंगे। थैंक यू।